नमस्कार, जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, बिल्कुल डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट जैसा पिज़्ज़ा बनाएंगे आज हम। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा और 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच खाने वाला सोडा, ये एक छोटा चम्मच नमक, ये मैंने सेंधा नमक लिया है। इन सबको हम ऐसे छलनी से छान लेंगे ताकि जो कई बार ये देखिए ये छोटी छोटी सी मैदे में या नमक में छोटे छोटे से जो रह जाते हैं ना, तो गुठलियाँ, तो वो इसमें ना रहें। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा अपना। इसमें मैं डालूंगी दही, और दही जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमें लेना है। खट्टा दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छी तरह से अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो इसको बाहर निकाल के अच्छी तरह से इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आइए। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच दही, तो बाकी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ये 5 हो गया, 4 चम्मच डालते हैं हम इसको। अच्छा सा हमने बढ़िया सा इसका डो तैयार करना है। हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसका हम डो भी खुद घर पे ही तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया, बाजार जैसा डो जैसे वहाँ बनता है ना, वो हम घर पे ही बनाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से मसल मसल के इसका बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए इसे मसल रहे हैं, तो इसमें दही अब अभी और पड़ेगा, तो इसमें 2 चम्मच दही के और डाल लेते हैं, और इसको अच्छी तरह से मसल के इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। दही हमने हमें घर का ही दही लेना है, तो ये भी अच्छी तरह से इससे, ये देखिए ये अच्छी तरह से ये डो बन रहा है। अगर पानी की ज़रूरत हो तो, जैसे मैंने बिल्कुल ही पूरा ये दही में ये आटा गूंद रही हूँ मैदा में, अगर ज़रूरत हो तो 1-2 चम्मच बस हम पानी के लगाएंगे इसमें। ये देखिए ऐसे इसको चलाते हुए थोड़ा पटक पटक के ऐसे हम इसका बिल्कुल मुलायम सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने मसल मसल के अच्छी तरह से मसल के डो तैयार कर लिए। ये देखिए हमारा डो बहुत सॉफ्ट डो लगा, ये देखिए। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, 2 छोटे चम्मच तेल के, ऑयल के, ये देखिए। और इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, एक बूंद भी पानी नहीं डाला मैंने। इस चम्मच दही के डाले हैं, फ्रेश दही जो हमारा घर का दही है वो डाला है। और ये वाला कप मैंने पूरा एक मेजरमेंट का लिया था। ये वाला कप आपका जो घर में चाय पीने वाला कप है ना, उसके ही इक्वल है। आप अगर आपके पास ये वाला कप नहीं है मेजरमेंट का, तो आप जो घर में जिसे चाय पीते हैं ना, जिस कप से, आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसे तेल में थोड़ा अच्छी तरह से मसल के इसको 20 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। तो बाकी हम फिर करते हैं आगे की तैयारी पिज़्ज़ा बनाने की। 20 मिनट में हमारी सारी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आटा गूंद के एक तरफ रखो और अपना बाकी सामान वो तैयार कर लो। ये देखिए इसे इस तरह से अच्छी तरह से ऐसे मसलो, और ये बढ़िया सा ये अब डो तैयार हो जाता है। ये देखिए अब हम इसे ढक के एक तरफ रख देते हैं। हम अपना पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं कढ़ाई में, तो इसमें डाल लेंगे हम नमक। ये नमक मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप जो भी नमक यूज़ करते हो केक में या पिज़्ज़ा में, तो आप इस तरह से किसी डब्बे में
अच्छी तरह से बाद में ठंडा होने के बाद बंद करके रख लो, तो ये बार बार उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया नमक, तो इसके ऊपर हम रख देंगे ऐसे उल्टी करके अपनी कटोरी अच्छी तरह से, और जिसके ऊपर प्लेट हमने कटोरी ली है कि जिसके ऊपर ये प्लेट फिट हो सके, और इसको हम कवर करके अपने पिज़्ज़ा को पका सके। तो अब हम फ्लेम कर देंगे ऑन, और कढ़ाई को 15 मिनट के लिए से हम प्री हीट करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम कर रहे हैं ऑन, और इसको कर दिया बिल्कुल स्लो पे, और इस कढ़ाई का हम लिड लगा के इसको प्री हीट होने के लिए हम छोड़ रहे हैं। अब हमारा जो पिज़्ज़ा के लिए हमने आटा गूंदा था वो बिल्कुल तैयार है, ये देखिए कितना सॉफ्ट लगा है। अब हम इसको कर लेंगे दो साइड में डिवाइड, तो हम इसको अब बेलेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसको, तो इसको हम बेलते हैं यहाँ एक चकले के ऊपर। पहले इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करके मसल के, थोड़ा अच्छी तरह से इसको मसलना है, मसल के इसको इसी प्रकार इसी तरह से ही राउंड करना है। ये देखिए राउंड हो गया। तो अब हम इसके नीचे लगाएंगे हमना हपारा मक्की का आटा, इसके नीचे हम मक्की का आटा लगाएंगे, तो इसको बेलेंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार है। लीजिए इसको थोड़ा मोटा मोटा ही बेलेंगे हम। ज़्यादा पतला नहीं बेलना, नहीं तो फिर हमारा जो नीचे बेस है पिज़्ज़ा बेस तो वो सूख जाएगा, तो इसलिए इसको पतला पतला ही बेलना है हमने। हम देखिए इसी प्रकार किनारों से थोड़ा सा करके, बस एक बार ही जो हमने मक्की का आटा लगा लिया बस वही लगाना है, बार बार इसके ऊपर हमने आटा नहीं लगाना। ये देखिए क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी डाला हुआ है, ये पूरा हमने दही से ही गूंदा है, इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं डाली, तो इसलिए ये चिकना पहले ही काफ़ी हो रहा है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हो गया। अब हम पहले अपना पिज़्ज़ा जो बेस है ना उसको सेकेंगे एक तरफ से, फिर बाद में पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा क्योंकि ये ना अगर इसे थोड़ा सा बेलना थोड़ा बंद कर दो ना तो ये सिकुड़ जाता है क्योंकि मैदा है ना। अब ठीक है, ये राउंड भी हो गया और मोटा भी है, देखिए आपको आवाज से ही पता चल रहा है कि ये मोटा हो गया इसको ऐसे। तो अब हमने एक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर हमने लगाया बटर पेपर लगा के इसका जो इसके एक तरफ इसका आटा लगा हुआ है ना, तो उसका अच्छी तरह से आटा जो है वो उतार लेंगे जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है इसके ऊपर, ये हमने उतार लेना है। ये हमने रख दिया इसके ऊपर अपना पिज्जा बेस। अब हम इसे रखते हैं कढ़ाई में। लीजिए हमारी कढ़ाई जो इसमें नमक है सारा वो प्री हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें रखते हैं अपना पिज़्ज़ा बेस। तो इसको अच्छी तरह से अब इसे हम सेकते हैं, अब हम इसे देखते हैं 5 मिनट के बाद। फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो ही है। लीजिए हमारा पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे, ये देखिए ये पक गया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस,
अच्छी तरह से। ये देखिए हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया, दो बड़े चम्मच हमने लगाए थे इसके ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़ खूब सारा भर भर के, क्योंकि सभी को चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए ये जो साइड पे गिरा है ना, वो हम उठा देंगे बाद में इसको, जब हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं। तो इसका हमने जो नीचे बटर पेपर लगाया था ना, वो हमने निकाल दिया बटर पेपर। हम इसमें डाल रहे हैं अनियन पेटल्स। ये मैंने पहले अनियन को चार भाग में डिवाइड कर लिया, तो फिर उसके हमने पेटल्स अलग अलग कर लिए। तो ये हम डाल रहे हैं अनियन पेटल्स। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, हम बना रहे हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा, आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो। आप इसके ऊपर लाल शिमला मिर्च डाल सकते हो, पीली शिमला मिर्च डाल सकते हो, और ब्रोकली डाल सकते हो। ये देखिए अब हम हरी शिमला मिर्च इसके ऊपर डाल रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं इसको, हमने लगा दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल लुक देने के लिए इसमें टमाटर रख रही हूँ थोड़ी से, इसे आप इसमें मशरूम डाल सकते हो, कोई भी आप इसमें वेजिटेबल डाल सकते हो। लीजिए ये हमने डाल दिए हैं अपनी वेजिटेबल्स, और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से कॉर्न्स डाल दूंगी। ये देखिए अब मैंने थोड़े से इसके ऊपर कॉर्न डाल दिए हैं, क्योंकि कॉर्न जो है सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने ये कॉर्न डाल दिए हैं। तो इसके ऊपर अब मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स, और इसके बाद इसके ऊपर डालूंगी ओरिगैनो स्पाइसी सीजनिंग। ये देखिए ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। अब इसके ऊपर डालेंगे फिर से मोज़रेला चीज़। देखिए इसको खूब सारा चीज़ इसके ऊपर डालेंगे, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। इतना सारा हम इसमें चीज़ डाल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार खाने में आने वाला है। अब हम इसकी प्लेट को कर देते हैं चेंज। देखिए इसको रख दिया यहाँ पे। अब हम इसके चारों तरफ हल्का सा ऑयल लगा देंगे ऐसे। अब हम इसे रखते हैं कढ़ाई में। लीजिए अब हमने रख दिया इसे अपनी कढ़ाई में, और ऊपर से कर देंगे अब इसको हम इसकी लिड बंद। अब देखते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए हमारा वेज पिज़्ज़ा बन के तैयार है। देखिए कितना अच्छा बना है और कितना क्रीमी बना है। तो अब हम इसे काटते हैं बीच में से, बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बना है हमारा ये पिज़्ज़ा। देखिए कितना टेम्पटिंग बना है, बहुत ही बढ़िया हमने कढ़ाई में बनाया ये पिज़्ज़ा। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से हमारा ये पका हुआ है, किसी भी तरफ से ऐसे नहीं है कि ये मैदा हमारा कच्चा है। बहुत ही बढ़िया बना ये, बहुत ही टेस्टी बना। अब हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पिज़्ज़ा। तो इसके लिए भी सब हमने इसका बेस बनाया है। बेस बना के इस प्रकार से हमने कर लेना है, और अब हमने फोक से इस ऐसे इसको कर लेना, ताकि हमारा जो है पिज़्ज़ा बेस फूले ना। हमने अपने पिज़्ज़ा बेस को सेक लिए, और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से। अब हम अपनी प्लेट को कर देंगे ग्रीस अच्छी तरह से, बढ़िया से ग्रीस करेंगे, और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना पिज़्ज़ा। ये प्लेट को ग्रीस करके हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा रख दिया,
और साथ ही में यहाँ भी इधर थोड़ी थोड़ी हम ऑयल लगा देंगे। अब रखते हैं इसको हम कढ़ाई में। लीजिए, हमने कढ़ाई में रख दिया पिज़्ज़ा। अब इसकी लगा देंगे लिड और 5 मिनट बाद चेक करते हैं। लीजिए, हमारा चीज़ पिज़्ज़ा भी बन के तैयार है। देखिए कितना बढ़िया, कितना क्रीमी, बढ़िया इसका टेक्सचर आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी हमारा ये चीज़ पिज़्ज़ा बना है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप इसे बनाइए, खाइए। और ये देखिए इधर कैसे बिल्कुल ही इसका ये अलग हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। घर पे बनाइए आप, देखिए खा के कि इसका टेस्ट कितना ही बढ़िया है। हम ये सब पिज़्ज़ा डोमिनोज या ये देखिए इधर, ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए इसका चीज़ पिज़्ज़ा का टेक्सचर है, ये देखिए कितना अच्छा है, कितना बढ़िया आया। देखिए से आप बनाइए, खाइए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपने ये बनाया पिज़्ज़ा तो आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। वाकई बहुत लाजवाब है, आपको और बच्चों को सभी को ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप बनाइए, खाइए, कमेंट में लिखिए कि आपका ये पिज़्ज़ा कैसा बना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।